नमस्कार फ्रेंड्स, नीलम सीरियल किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू की टिक्कियाँ। आप इन टिक्कियों को बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आलू की टिक्कियाँ बनाना। इसके लिए हमें चाहिए, टिक्की बनाने के लिए मैंने लिया है आलू। आलू को मैंने थोड़ा सा नमक डालकर उबाल लिया था और ठंडा होने के बाद छील लिया है। और जब ये एकदम ठंडे हो जाएंगे तो हम इन्हें कद्दूकस करेंगे। चावल का आटा, अरारोट, आप अरारोट की जगह कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं, नमक और तेल। और टिक्की की स्टफिंग बनाने के लिए मटर, चने की दाल, दाल को मैंने धोकर भिगो लिया था और 2 घंटे हो चुके हैं इसको भीगे हुए, हल्दी पाउडर, बारीक कटे हुए धनिया और हरी मिर्च, नमक, काली मिर्च, काली मिर्च को मैंने हल्का सा दरदरा कूट लिया है। जब तक हमारे ये आलू ठंडे हो रहे हैं, इतने हम टिक्की के अंदर की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस चने की दाल को थोड़ा सा नमक डालकर 2 सीटी लगाकर पका लेंगे। चने की दाल के साथ ही मैंने प्रेशर कुकर में मटर भी डाल दिया, जिससे वो भी थोड़ी नरम हो जाए। और इसी के साथ मैंने प्रेशर कुकर में थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको 2 सीटी लगा लेंगे। 2 सीटी लगने के बाद मैंने प्रेशर कुकर की भाप निकालकर कुकर को तुरंत खोलकर दाल और मटर को बाहर निकाल लिया है, क्योंकि हमें इन्हें यहाँ ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने एक बर्तन में तेल गर्म कर लिया है और हमारा तेल गर्म हो चुका है तो हम इसमें दाल और मटर को डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। थोड़ा नमक हमने उबालने में डाल दिया था और ये जो हमने काली मिर्च को क्रश किया था वो भी इसमें डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिलाकर 1 मिनट के लिए भून लेंगे। हमारी ये स्टफिंग भून चुकी है तो मैंने गैस को बंद कर दिया है और अब हम इसको ठंडा होने देंगे। उसके लिए हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। हमारे आलू एकदम ठंडे हो चुके हैं तो मैं इन्हें कद्दूकस कर लेती हूँ। मैंने सारे आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब मैं इसमें चावल का आटा और अरारोट को मिला दूंगी। चावल का आटा मिलाने से इसमें करारापन आएगा और अरारोट मिलाने से हमारी टिक्कियाँ फटेंगी नहीं। इसी के साथ इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल भी डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे। टिक्की के बाहर की लेयर तैयार हो चुकी है। अब हम अपनी स्टफिंग को भी तैयार कर लेते हैं। हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है तो हम इसको मैशर से थोड़ा मैश कर लेंगे। इसमें बारीक कटा हुआ धनिया और हरी मिर्च भी मिला देंगे। अब हम ये स्टफिंग भरकर अपनी टिक्कियाँ तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम उनको फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने हाथ पर थोड़ा तेल लगाया है और हम थोड़ा सा अपना ये इस तरह से हम इसमें स्टफिंग भर लेंगे और इसको बंद कर देंगे इस तरह से। और इसको इस तरह से टिक्की की शेप में चपटा करके और एक प्लेट में रखते जाएंगे। हमारी टिक्कियां स्टफिंग भर के तैयार हैं तो अब हम इन्हें तलना शुरू करते हैं। इनको तलने के लिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल लिया है। अब उसमें अपनी टिक्कियां डालना शुरू करते हैं। इस तरह से मैंने तेल में टिक्कियों को डाल दिया है। मैं इन्हें यहाँ पर डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, शैलो फ्राई कर रही हूँ। जब ये एक तरफ से थोड़ी सीख जाएंगी तो हम इन्हें पलट देंगे। हमारी टिक्कियां एक तरफ से थोड़ी सी सीखी थी तो मैंने इन्हें पलट दिया। जब टिक्कियों को तलें तो थोड़ा गहरा बर्तन लें, जिससे कि उनके छींटे दीवार पर या आपके हाथ पर ना लगें। हमारी टिक्कियां एक तरफ से सीख गई थी तो मैंने इनको पलट दिया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आने लगा है इनमें। और मैंने इसमें और टिक्कियां भी डाल दी हैं। मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ की टिक्कियां बनाई हैं। आप चाहें तो छोटे साइज़ की टिक्कियां भी बना सकते हैं। आपको जैसा साइज़ पसंद है आप उस साइज़ की टिक्कियां बना सकते हैं। आप जब भी टिक्कियां बनाएं तो उनको मीडियम फ्लेम पर ही सेकें, जिससे कि वो अंदर तक अच्छी तरह से सीख जाएं। ये देखिए हमारी टिक्कियां सीखने लगी हैं। तो अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे और टिक्कियां तलने के लिए इसमें डाल देंगे। हमारी टिक्कियां सीख गई थी तो मैंने इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है और इन्हें एक टिश्यू पेपर पर रख लिया है, जिससे इनका एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर पर आ जाए। ये टिक्कियां बहुत ही कुरकुरी बनी हैं, ये देखिए।
हम इन टिक्कियों को इस तरह भी खा सकते हैं, या इस पर हम धनिया और इमली की चटनी डालकर भी खा सकते हैं। मैंने दोनों चटनियों पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से देखकर इन चटनियों को बना सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको मेरा ये आलू टिक्की का वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।